रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल, मैं आपके साथ प्रियंका। घटसाना से हमारे संवाददाता वेद अग्रवाल ने बताया कि सब्जी मंडी में बोली के समय भारी भीड़, सरकार व प्रशासन के नियमों की खुलेआम उड़ा रहे धज्जियां। उपखंड अधिकारी ने किए सख्त कार्यवाही के आदेश। कोरोना महामारी के चलते पूरे देश भर में एक बड़े संकट के चलते सरकार व प्रशासन द्वारा लागू धारा 144 के तहत सोशल डिस्टेंस व नियमों की पालना का विशेष ध्यान रखने के लिए बार बार अपील व प्रचार किया जा रहा है, लेकिन घटसाना फल फ्रूट सब्जी मंडी के थोक विक्रेता सुबह 6 बजे से 8 बजे तक बोली के समय होलसेल विक्रेता, क्रेता एवं किसान की भीड़ के साथ साथ सब्जी लाने व ले जाने वाले कई दर्जनों वाहन चालकों की भी इस बोली स्थल पर भारी भीड़ का जमावड़ा लगा रहता है, जिसके चलते फल फ्रूट हरी सब्जी के थोक विक्रेता और क्रेता धारा 144 व सोशल डिस्टेंस के नियमों की धज्जियां उड़ाकर सरकार व प्रशासन की पालनाओं की परवाह नहीं करते हैं। कोरोना जैसी इस बड़ी बीमारी की स्थिति को यह भीड़ किसी भी टाइम बुलावा देने का काम कर सकती है, लेकिन बार बार मीडिया कर्मियों द्वारा इस पर आवाज उठाकर प्रशासन, कृषि उपज मंडी समिति एवं पुलिस तक वीडियोग्राफी सहित संदेश भेजा जा रहा है। उधर उपखंड अधिकारी राम अवतार कुमावत द्वारा सब्जी बाजार में बोली के समय सोशल डिस्टेंस बनाने व सख्त कार्यवाही के पुलिस एवं तहसीलदार को तुरंत आदेश भी जारी किए गए हैं। यहां बोली के समय सब्जी लाने व ले जाने वाले वाहनों के ड्राइवर एवं एक खरीदार के साथ साथ तीन लोग अंदर घूमते नजर आते हैं, जहां बोली के समय लोगों का एक बड़ा झुंड बना नजर आता है, जिन्हें इस महामारी, प्रशासन के नियमों, धारा 144 तथा सोशल डिस्टेंस के बिल्कुल भी परवाह नहीं है।